तू मेरा अक्स, तू मेरी जान बन गया, जो ना भूलूंगा वो तू निशान बन गया। तो माता जी, क्या वो अभी गीत गा रहे हैं, तो क्या एक गीत सुनाएंगे आप? मैं तो शास्त्रीय गायन में ही सुना सकती हूँ। सुनाइए सुनाइए। राग भैरवी का बता रही हूँ। हाँ बताइए। डगर चलत छेड़ो श्याम सखी, डगर चलत छेड़ो श्याम, भूतन मार द जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, जीवे टूटे अंबर तो तारा। गुमान छे हमरा, हम छी मिथिला के, गुमान छे हमरा, हम छी मिथिला के। कि आपका बॉलीवुड का करियर कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, और मैं अभी मुंबई गया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कामना यही करता हूँ कि आगे का सफर और भी अच्छा। क्या लगता है, ग्रामीण परिवेश से आप आते थे, बॉलीवुड का रास्ता आपके लिए इतना कठिन था या सुजीवल था? देखिए, 14-15 साल का स्ट्रगल रहा है मेरा, और मैं बचपन से ही 7-8 साल की उम्र से ही म्यूज़िक में हूँ, और कठिनाइयाँ तो जब जब तक आप एक मुकाम तक जो पहुँचना चाहते हैं उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, तो वो परिश्रम मैंने भरपूर किया है और अभी मुझे चांस मिला है वहाँ। एक गाना गाइए। अभी मेरा एक गाना आया है हिमेश सर के साथ, मैं उसके दो लाइन आपको सुनाता हूँ। तू मेरा अक्स, तू मेरी जान बन गया, जो ना भूलूंगा वो तू निशान बन गया। तू है मौजूद हर वक्त मुझ में, कहीं छोड़ साया तेरा साथ एक पल नहीं। तू मेरा अक्स, तू मेरी जान बन गया, जो ना भूलूंगा वो तू निशान बन गया। हिमांशु जी, आप बताएंगे कि अभी तक आपको कहाँ कहाँ से गीत गाने का ऑफर मिला? देखिए, अभी मुझे काफ़ी जगह से मिल रहा है। एक हमारी मूवी के लिए भी है, जो हिंदी फीचर मूवी है, और मनीष श्रीवास्तव सर के अंडर में ये मूवी आ रही है। मूवी का नाम है बीरू, उसमें मैंने अपना म्यूज़िक और अपनी आवाज़ दी है। बहुत जल्दी आप लोग के बीच आएगा वो, अभी मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियल है, तो आएगा। ग्रामीण परिवेश का जिंदगी और बॉलीवुड का जिंदगी कैसा है, सो बताइए। देखिए, वो अगर आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड का जो एक जो जगह है, वहाँ आप प्रोफेशनली आप अपने आप को रखते हैं, आप अपने काम की वजह से वहाँ जाने जाते हैं। ग्रामीण में तो आप, वहाँ आपका घर समाज है, तो बेहतर तो ग्रामीण ही लगता है, जहाँ पे आपको बहुत सारा जो अपने लोग हैं वहाँ मिलते हैं। बॉलीवुड में भी अपने लोग होते हैं, लेकिन वहाँ प्रोफेशनली आप ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। आपका जो दर्शक बने रहेंगे अगले दिनों तक, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा बस यही सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपना खूब प्यार आशीर्वाद मुझे दें, और मैं और आगे तक। एगो मैथिली गीत गाइए। गुमान छे हमरा, हम छी मिथिला के, गुमान छे हमरा, हम छी मिथिला के। सदखन बजै छी, सदखन बजै छी, भाषा अपन हम गाम के, गुमान छै हमरा, हम छी मिथिला के। या भारत लेवल पर हिमांशु गायक हो गए हैं, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आशीर्वाद देंगे हिमांशु को? और मैं तो यही कह रही हूँ कि भगवान जो है उसके पर कृपा बनाए रखे और ऊंचाई पर पहुंचाए। क्या लगता था हिमांशु कभी इतना शिखर पर पहुंचते, आपका मन था? हम तो सोच रहे थे, अब हम अपना निराश हो गए थे एकदम, लेकिन हिमेश बाबू ने ऐसा मेरे बच्चे को प्लेटफॉर्म दिया जो कि उन्होंने कृपा कर दी मेरे बच्चे को। हिमेश बाबू के लिए क्या कहेंगे?
और दर्शकों के लिए भी मैं कहूँगी, दर्शक श्रोतागण के लिए भी मैं कहूँगी, उनके आशीर्वाद से, ये पहले उनके आशीर्वाद से पता दिनेश बाबू को उसके है ना जी। तो मैं यह कहती हूँ कि मेरी जनता जनार्दन जो है उस पर आशीर्वाद अपना ऐसे बनाए रहे, प्रेम बनाए रहे। जी जी, क्या नाम हुआ माता जी आपका? मेरा नाम हुआ ललित। अंशु जी कहते हैं जी आप उनका गुरु हैं, क्या अपने शब्दों से कहेंगे? ठीक है, मैं उसकी गुरु तो मैं ही हूँ। और उसके बाद जो है अपना गया गाना गाने लगा, हम तो यहाँ इसको वहाँ तक पहुँचा दिए थे। तो माता जी क्या वो अभी गीत गा रहे हैं, तो क्या एक गीत सुनाएंगे आप? मैं तो शास्त्रीय गान में ही सुना सकती हूँ। सुनाइए। राग भैरवी का बता रही हूँ। हाँ बताइए। डगर चलत छेड़ो श्याम सखी, डगर चलत छेड़ो श्याम सखी, मैं तो दूंगी गाली निपटय नारी, डगर चलत छेड़ो श्याम सखी। स्थाई ठीक है कि अंतर? देखिए, गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उस प्रतिभा को निखारने और तराशने की आवश्यकता होती है। और हिमांशु यादव में माँ सरस्वती का देन है कि गाना, आवाज़ इतनी कर्णप्रिय है, इतनी मधुर आवाज़ है कि किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। और जिस प्रकार एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए संघर्ष करके बिहार से मुंबई तक अपनी आवाज़ पहचान, अपनी आवाज़ से एक पहचान बनाई है, हम सब काफ़ी हर्षित और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए आज जब मुंबई से प्रथम बार अपने गांव आए हैं, तो हम सब उनको मान सम्मान अभिवादन, बढ़ चढ़ के सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सर, हिमांशु एक सामान्य परिवार से आते हैं, बतौर आप समाज सेवी के नाते सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि हिमांशु को जिस प्रकार माँ सरस्वती ने अपनी आवाज़ दी है, बिहार सरकार के ऐसे ग्रामीण परिवेश में पलने वाले प्रतिभाओं को पहचानना पड़ेगा। और इस प्रकार के प्रतिभाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म कला संस्कृति मंत्रालय के तरफ से जो सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती है, बहुत सारी योजनाएं हैं, हिमांशु जी को भी वो सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। तो हिमांशु जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, उसके साथ साथ आप लोगों को भी, क्योंकि इसमें वायरल करने में सब लोगों का सहयोग रहा। और यह मकाम हमारे हिमांशु भाई को आज से 10 से 12 साल पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि यह बच्चा से ही जो था शास्त्रीय संगीत उनकी माताजी और भी गुरु जी के माध्यम से वो सीखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मोहदीनगर विधानसभा क्षेत्र के रमैया गांव से आते हैं, और हम लोग मतलब गरीब गुरबा इस क्षेत्र के हैं। तो एक बात कहना चाहेंगे, लोग कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करता है कहाँ पर क्या होता है, तो अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों के बल पर एक इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। तो वही विश्वास आज हिमांशु जी को और हम लोगों को जो खड़ा किया वो उनके वह विश्वास ही है, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, जैसे हमारे BDO साहब हुए, कलेक्टर साहब हुए, और राजनीति में जो विधायक जी हैं और सांसद जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं, जो एक सम्मानित गायक को जो भी लाभ मिलता है वह लाभ हमारे हिमांशु भाई को भी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ऐसे जैसे हिमांशु भाई ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे स्ट्रगल करके ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए हैं, क्योंकि लगभग ग्रामीण बच्चों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और सही लोग तराश भी नहीं पाते हैं। तो वो सारे चीज़ है हम लोगों में, वो खूमियाँ सरकार को इस पर ध्यान भी देनी पड़ेगी, और हर क्षेत्र में ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्किल सेंटर भी खोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने आज अपना अथक मेहनत करके और हमारे क्षेत्र का नाम जो है मुंबई तक पहुंचाए हैं, और उनको सींचने में जिन्होंने आज उनको जन्म दे करके और कर्म करने के लिए छोड़े हैं, पहले उन माताओं को जो है, माता को जो है सो हम प्रणाम करना चाहेंगे कि वो जन्म दे करके और हमारे क्षेत्र का जो है नाम आज मुंबई तक पहुंचाने में जो है सो अपना अथी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए इनको।
कि आज ये फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने गाना के माध्यम से आज वायरल हुए हैं, इस क्षेत्र को जो है बहुत बड़ा जो है अति किए हैं। हम हिमांशु भाई को बहुत बहुत बधाई देंगे जो हमारे एक गरीब समाज के लड़का होकर एक अपने पंचायत प्रखंड और जिला के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है, तो उनको हम पहले ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देंगे। और ऐसा बहुत कम होता है, जो टैलेंट होता है वो बहुत कम होता है लेकिन उसको पहचानने वाला बहुत कम लोग होते हैं। जैसे ही लोगों, पहले तो हम हिमांशु भैया को हम सोशल मीडिया से जाने और सोशल मीडिया से इनको आवाज़ और इनको टैलेंट को जाने, और इस प्रकार के टैलेंट देखने को बहुत कम मिलता है। और इस प्रकार से हमारे हिमांशु भैया पूरे पंचायत समाज और जिला का नाम, बिहार का नाम रोशन किए हैं, तो एक हम लोग को अंदर से बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे एक गरीब समाज का लड़का एक सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पर मुकाम हासिल किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीश गुप्ता है। अपने मोहद्दी नगर क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे प्रतिभा छुपे हुए थे, आज इन्होंने मुंबई जैसे शहर में जाके फिल्म जगत में अपना नाम कमाया, और अपना ही नाम नहीं अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। मैं सरकार से मांग करता चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करें।